हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिफपॉड 50 mg सिरप के विषय में बताने जा रहा हूं, जो दोस्तों एक एंटीबायोटिक सिरप है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सिफपॉड 50 mg सिरप के विषय में सारी जानकारियाँ मिल सके। सो लेटेस्ट फ्रेंड्स, अब हम सिफपॉड 50 mg सिरप किन समस्याओं में हमें प्रयोग करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो सिफपॉड सिरप जो 50 mg है, वह हम एक एंटीबायोटिक सिरप है जो बच्चों को दिया जाता है जब उनके सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी जैसी समस्या होती है उस समय। जैसे आप पैरासीटामॉल या क्रोसिन या विकोरिल या सीनारेस्ट सिरप दे रहे हैं, उसके साथ ये सिरप आप दे सकते हैं। इस सिरप को उसके साथ देने से जो उसकी प्रॉब्लम होती है, बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है। जैसे बच्चों को सर्दी और जुकाम और बुखार या खांसी हो रहा है और आप कालपाल सिरप या क्रोसिन सिरप दे रहे हैं, उसके बाद आपको जल्दी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उस समय आप इस सिरप सिफपॉड 50 mg सिरप को दे के वहाँ पे उस प्रॉब्लम को तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो ये थी इसकी जानकारी यूजेस की। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यह किन औषधियों से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं सिफोडॉक्सिम ओरल सस्पेंशन, इसी से मिलकर यह बना हुआ है। आइए इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें कितने कंटेंट मिले हुए हैं। तो ये देखिए आप, सिफोडॉक्सिम 50 mg, जो इसमें 50 mg कंटेंट मिला हुआ है। तो दोस्तों, अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफेक्ट कुछ है और कुछ नहीं भी। जैसे दोस्तों, यदि आपको बच्चे में कोई सर्दी जुकाम से संबंधित न हो, ऐसी कोई समस्या दिखती है, तो आप वह साइड इफेक्ट समझ लीजिए। और वह साइड इफेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे दोस्तों, बच्चों के त्वचा पे लाल लाल चकत्तों का पड़ना और बार बार उल्टी का होना और पेट में जलन होना, ऐसी कोई समस्या यदि बच्चे में आपको दिख रही है, तो इस सिरप का प्रयोग आप तुरंत बंद कर दें। तो दोस्तों, अब आइए हम यह जो सिफपॉड सिरप है, वह बच्चों के शरीर में किस प्रकार कार्य करती है, इसके विषय में भी जान लेते हैं। तो यह सिफपॉड सिरप जो है, एक एंटीबायोटिक है, और यह एंटीबायोटिक बच्चों के शरीर में जाने के बाद जो उनकी प्रॉब्लम होती है, वह वहीं रुक जाती है, उससे बढ़ती नहीं है। इस प्रकार यह बच्चों के शरीर में काम करती है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके यूजेस के कुछ सावधानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यह यूज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये बात आप जान लीजिए। तो दोस्तों, जैसे ये बच्चों को आप दे रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि ये आपके बच्चे के लिए सूटेबल है या नहीं, यही आपको सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके डोजेस के विषय में, जान लेते हैं कि इसके डोजेस क्या हैं। जैसे आपका बच्चा 1 साल का या 1.5 साल का या 2 साल का या 3 साल का है, तो आप इसके जो रैपर के अंदर डब्बे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डब्बे के अंदर ये जो रैपर है, कैप लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये कई इसमें निशान लगे हुए हैं। तो ये 5 ml आप दे सकते हैं, 1 साल का जो बच्चा है आपका, 5 ml आप सुबह शाम 2 टाइम आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं दोस्तों। और वहीं आपका 2 साल 3 साल का बच्चा है, उसको भी 5 ml आप सुबह शाम दे सकते हैं। और 4 साल 5 साल का बच्चा है, तो ये सिफपॉड जो 50 mg है, यहीं आप 100 mg सिरप आपको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आइए हम जान लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे बच्चों को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये देखते हैं आप प्रोडक्ट जो आता है यह। और बच्चों, दोस्तों, ये जो सिरप यूज करना है बच्चों को, वह उनके पेट में भोजन हो या तो कुछ दूध पिए हो, तभी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, खाली पेट ना दे बच्चों को। तो दोस्तों, आइए इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए। जैसे ये देख रहे हैं, ये पाउडर है, इसमें आप देख सकते हैं हिला के। तो इसमें आपको गर्म पानी जो है, आपका जो पानी होना चाहिए वह प्यूरीफायर होना चाहिए, उस प्यूरीफायर पानी को आपको गर्म करके इसमें ये निशान जो लगा हुआ है यहाँ तक, आपको इसको इसमें भर के यूज करना है। तो दोस्तों, ये थी सिफपॉड 50 mg सिरप के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, ये जो सिफपॉड 50 है, इसका जो कम्बिनेशन है, यह सिफोडॉक्सिम 50 mg का कम्बिनेशन बड़े बड़े डॉक्टर प्रीफर करते हैं। और यह दोस्तों एक जेनरिक डिवीजन लेबोरेट कंपनी के द्वारा बनाई गई है। यह जो कंपनी है, यह ज़्यादातर दवा को जेनरिक ही बनाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस मेडिसिन को इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पर या ऑनलाइन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिफपॉड 50 mg टैब सिरप के फायदे और साइड इफेक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो इसे आगे शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हासिल हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर करें, और आगे की सारी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।